हाई विबन दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे तो अगेन हमारे इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स में जो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे उनको पॉइंटर्स के फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और ये होगा हमारे इस डिस्कशन का पार्ट नंबर फाइव कुछ मेरे बारे में जानकारी मैंने एम एस रॉबिन तो चलिए हम अपने इस वन लाइनर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम में एस के आपके क्वेश्चन आए हैं उन्हें वन लाइनर्स या फिर पॉइंटर्स के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो पहला आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कुछ पॉइंटर्स होंगे जो कि एक रिस्पेक्टिव एग्जाम में आपके वहाँ पर पूछे गए थे मैं ऐसे ईयरली वाइज आपके पॉइंटर्स उठाऊंगा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे रिलेटेड वन लाइनर्स बनाकर आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा तो स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपका पहला पॉइंटर तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्टल वोटिंग जो आपकी होती है आप उसे किस और नाम से भी जानते हैं तो पोस्टल वो जो आपकी वोटिंग होती है उसे आप प्रॉक्सी वोटिंग भी बोलते हैं अब आप बोलेंगे यार पोस्टल वोटिंग होता क्या है तो पोस्टल वोटिंग इज वोटिंग जो कि एक इलेक्शन में होती है वेयर बाई जो बैलेट पेपर होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू इलेक्टर्स या फिर रिटर्न बाई पोस्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू इलेक्टर्स वोटिंग इन पर्सन एट अ पोलिंग स्टेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिकली वाया एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम तो कुछ तरीके होते हैं जैसे पोस्टल वोटिंग की बात करूँ आपको पता है कि एक इलेक्शन का एक बैलेट पेपर तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि इलेक्टर्स होते हैं उसके बाद या तो आप इन्हें रिटर्न बाई पोस्ट करते हैं या फिर आप इन्हें इलेक्टर्स वोटिंग इन पर्सन जाके पोलिंग बूथ पर कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इलेक्ट्रिकली बाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं तो ये पोस्टिंग वोटिंग जो होता है ना इसे आप पोक्सी वोटिंग भी बोलते हैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझने की जरूरत थी तो ये हो गया आपका पहला नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन वॉट तो देखिए जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है वो कौन एश्योर करता है आई I मीन mean, किस में वो समाहित होती है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट जो होती है ना वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को अश्योरेंस मिलती है क्योंकि अगर आप किसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ना वहाँ पर आपको मेजोरिटी वगैरह यू नो फॉर्म करनी पड़ती है लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो एक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट कहलाती है तो याद रखेंगे कि अगर आप स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट की तो वो अश्योर किस में होती है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि आपका यूएसए की गवर्नमेंट नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैकेंसी इन दफिस विद इन वट टाइम तो भारतीय संविधान आपसे क्या कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट के ऑफिस की वैकेंसी होती है वो आपको भरनी पड़ेगी छः महीनों के भीतर ये आपका यहाँ से वन लाइनर बना नेक्स्ट है इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद वट देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है ना जो भी आपके एग्जीक्यूशंस होते हैं आपके लॉज वगैरह के एग्जीक्यूशन चीज़ें होती हैं वो आपकी किसके अंदर समाहित होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं ये अलग अलग मिनिस्ट्री को हैड कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली जो आपके इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हो रही होती हैं वो ही उस इंडिविजुअल एरिया में काम कर रहे होते हैं तो अगर किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन आपको करना है तो वो कौन करेगा चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो याद रखेंगे द इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहाँ पर होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नेक्स्ट है गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलते हैं तो देखिए अगर आप किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना गवर्नेंस करना चाहते हैं तो इसे आप बोलते हैं सिंडिकलिज्म ठीक है सिंडिकलिज्म से आप बोलते हैं ये हो गया आपका एक और पॉइंटर इकोनॉमी से हम अपने कुछ कमेंटर्स को यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे पहला है मल्टीप्लायर प्रोसेस इन इकोनॉमी थ्योरी इज कन्वेंशनली टेकन टू मीन दैट वॉट मैं बात कर रहा हूँ आपसे मल्टीप्लायर प्रोसेस जो कि इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर आती है वो क्या कहती है आपसे वो कहती है कि इनकम ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रॉस ऑन अकाउंट ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपसे यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी आपका प्रोसेस होता है ना इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर अगर मैं मल्टीप्लायर प्रोसेस को आपको बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या करता है ये कन्वेंशनली क्या करता है ये इस तरीके का मतलब रखता है कि किसी भी इकोनॉमी की अगर आप इनकम को ग्रो कराना चाहते हैं तो किस पर कराते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कितना रखने वाले हैं ठीक है तो ये था आपका यहाँ से वन लाइनर द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स वॉट एंड वॉट लोन्स ठीक है तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है आपको एक ऐसा मीडियम प्राप्त करता कराता है यानी कि आपको एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है और क्या करता है लॉन्ग टर्म्स लोन आपको उस माध्यम के थ्रू प्रदान करता है तो ये हो गया आपका वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड यहाँ पर वन लाइनर दी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आई एम एफ केम इन टू एग्जिस्टेंस विद कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत ये आपका एग्जिस्टेंस में आया था किसकी बात कर रहा हूं मैं आई एम एफ की तो यह हुई थी आपकी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जिसके बाद आई एम एफ आया था आपका एग्जिस्टेंस में नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स गिवन बाई दी वर्ल्ड बैंक आर मेंट फॉर वॉट तो देखिए कुछ लोन्स पहले तो आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है आपको लोन्स देता है तो एक टर्म होती है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स ये वर्ल्ड बैंक देता है और ये किस तरीके के मायने के अंदर आपके आते हैं दिस कम्स अंडर द इंकरेजिंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो कैपिटल थोड़ा डाउन चल रहा होता है उनको इंक्रेज करने के लिए ये आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स दिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा नेक्स्ट है अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सिक्योरिटी इफ़ इट रिप्रजेंट्स दी लाइबिलिटी ऑफ वॉट अगर मैं किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बात करूँगा ये कहने की कि भाई वो एक प्राइमरी सिक्योरिटी है कब ऐसे किस कंडीशन में करूँगा वो मैं तब कहूँगा जब वो रिप्रजेंट करेगा किसकी लाइबिलिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी को सर्विस कोऑपरेटिव आर क्या होते हैं तो ये होते हैं आपके मार्केटिंग सोसाइटीज़ और ये आपके एक्चुअली ना ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ठीक है कि भाई आपसे किस तरीके का ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के आधार पर ही आप थोड़ा बता पाएंगे कि भाई आपका क्या आंसर होने वाला है तो अगर मैं आपसे मार्केटिंग सोसाइटीज की बात करता हूँ मार्केटिंग सोसाइटीज़ की बात करता हूँ तो वो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं सर्विस कोऑपरेटिव्स के अंदर आती हैं आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट आउटपुट एट विच द प्रोड्यूस्ड इज एबल टू वॉट तो देखिए मैं आप तो करता हूँ बात ब्रेक इवन पॉइंट्स की अब ब्रेक इवन पॉइंट्स पर आप अपने आउटपुट सेट करते हैं वो इस तरीके के आउटपुट्स होते हैं कि उस कंडीशन में आप जो प्रोडक्शन अपना रखने वाले हैं वो प्रोडक्शन क्या आपने ध्यान में रखेगा कि रिकवर करेगा अपनी सारी कॉस्ट को ठीक है कि अगर मैं ऐसी आपकी प्रोडक्शन रखता हूँ कि भाई मुझे सारा अपना जो भी मेरा कॉस्ट लगा है मेरे को मेरा सामान प्रोड्यूस करने में तो उसको मैं एक इस कंडीशन में रख सकता हूँ कि मैं एक आउटपुट सेट करूँगा उसको बोलूँगा मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर ठीक है तो ये आपका क्या बताएगा कि मैं अपनी सारी रिकवरी चाहता हूँ अपने प्रोड्यूस्ड कॉस्ट के हिसाब से India's share in world trade since 1950 has shown a mixed trend. ट्रेंड तो देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा गया था कि कब से कब से भारत ने एक मिक्सड ट्रेंड शो किया था तो ये किया था नाइनटीन फिफ्टी से या फिर इंडिया ने अपना शेयर किस ट्रेंड में शो किया था उन्नीस सौ पचास में तो आपको बताना है मिक्स्ड ट्रेंड में थ्रू विच थ्योरी गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज द इकोनॉमिक इन तो देखिए इकोनॉमिक इनिक्वेलिटीज़ हमारे देश में काफ़ी टाइम से रही हैं अब गांधी जी ने क्या किया था इसको स्ट्राइव करने के लिए एक थ्योरी दी थी कि भाई आप इस ब्रिज को फिल कर सकते हैं विद वॉट थ्योरी तो ये थी आपकी ट्रस्टीशिप थ्योरी गांधी जी ने दी थी ये भी याद रखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप थ्योरी फिजिक्स से आप डिस्कस करेंगे दी स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन प्रिज्म जैसे आप देखते हैं कि भाई प्रिज्म में अगर आप कोई लाइट करते हैं तो वो डिस्पर्शन उसका हो जाता है ठीक है अब इस फिनमिना को आप क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट केमिस्ट्री से वन लाइनर देखते हैं कौन सा सबस्टांस होता है जिससे आप फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो देखिए जो फूड ग्रेन्स को सही से काफ़ी टाइम तक चलाने के लिए आप यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है आपका सोडियम बिन्जोइट काफ़ी बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखेंगे कि हम सोडियम बेन्जोइट को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड ग्रेड्स बायोलॉजी से आपका वन लाइनर हम यहाँ से डिस्कशन करेंगे एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल दैम टू मेड यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वॉट तो देखिए मैं एनिमल्स की बात करता हूँ एनिमल्स के अंदर आपका इंजाइन सिस्टम नहीं होता है ठीक है जो क्या इनेबल करता है विच इनेबल दैम टू मेज यूज द एनर्जी यानी कि वो वाटर से एनर्जी को यूज़ कर पाएँ ऐसी चीज़ को उनके अंदर बनाए रखने के लिए या फिर ऐसी चीज़ को उनके अंदर सब ये आ, इनेबल करने के लिए कि वो उसका यूज़ करेंगे वो होता है एन्जाइन सिस्टम और उसका अंदर क्या नहीं होता है उनके प्रेजेंस नहीं होती है तो वाटर से एक्चुअली वो अपनी एनर्जी को लेंगे इस तरीके को इनेबल करने का एन्जाइन सिस्टम उनके अंदर नहीं होता है अ क्लोन इज़ ए कॉलोनी ऑफ वाटर तो मैं क्लोन की बात कर रहा हूँ तो क्लोन क्या होता है कॉलोनी होती है ऑफ सेल्स जिनके अंदर आपकी सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ठीक है तो पूरी कॉलोनी के अंदर जो भी आपके सेल्स होंगे वो सिमिलर आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे यानी कि सेम आधार पर वो बने हुए होंगे द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स आर तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है आपको पता होगा कि अगर मैं पोलिनेशन की बात करता हूँ किसी भी फ्लावर की तो इंसेक्ट्स क्या आते हैं अलग अलग से उड़ उड़ के आते हैं अब मैं इस पोलन की बात करता हूँ ये एक्चुअली में किस तरीके के होते हैं ये होते हैं आपके रफ एंड स्टिकी याद रखेंगे रफ एंड स्टिकी होते हैं ये आपके पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स जिन्हें पोलिनेट करते हैं कौन इंसेक्ट्स एस किसके कारण होता है एसबेस्टोज आपको बताना है किसके कारण होता है तो ये होता है आपका एम सी सेमा के ठीक है तो एम सी सीमा इज कॉज बाई एक्सेस्टो एस ठीक है तो ये कारण है दिस इज कॉज्ड बाई एज इन दी आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ वॉट तो देखिए अगर आपकी आंख में कून्स प्रेजेंट हैं तो यही आपका कारण बनेगा आपके कलर विजन को अफेक्ट करने का तो याद रखेंगे दैट कोन्स की वजह से क्या होता है आपका कलर विजन अफेक्ट होता है सो दिस वॉज दी वन लाइनर सेशन आई होप आपको मैंने क्विकली जल्द से जल्द ये जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ऑप्शन दिखाकर फिर उसके बाद टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया मैंने दिस इज़ वॉट आई थिंक कि आप वन लाइनर के थ्रू किस तरीके से अपनी स्टडी को इन्हैंस कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाकर आप फॉलो कीजिए और इसके साथ साथ आपको अनकेडमी पर काफ़ी सारे बचेज मिल जाएंगे रनिंग में आप जाकर वहाँ के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं बहुत सारे बचेज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग में रहते हैं अपकमिंग बचेज रहते हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस से रिलेटेड तो आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं एस एस सी वाई आप कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपको इंस्टेंट टेन परसेंट या फिर उससे ज़्यादा का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ अपना ख्याल रखिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू